बेटा हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहां हम लोगों ने टॉपिक को छोड़ा था, वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए कम ऑन द टॉपिक प्लीज। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, कहते हैं बच्चों सोशल इंश्योरेंस, सिकनेस बेनिफिट, ओल्ड एज पेंशन आर सम सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय। बच्चों ये सब चीजें किस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर प्रोवाइड की जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर कैपिटलिज्म में सोशल वेलफेयर तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है बच्चों, कौन से अंबानी और अडानी हम लोगों के लिए सोच रहे हैं, तो सोशल वेलफेयर तो हो नहीं रहा सर। तो हम लोग सर कभी भी सोशल वेलफेयर पॉसिबल नहीं है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, बिल्कुल नहीं सर, कोई सोशल वेलफेयर नहीं हो सकता। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो हो सकता है बच्चों, इवन सो होता भी है। गवर्नमेंट वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन ये सब क्यों देती है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्यों देती है? कहीं ना कहीं इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो वी कैन से कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो पाया जाता है बच्चों, ये तो एकदम कंफर्म है। लेकिन सवाल ये हुआ कि सर मिक्स्ड इकोनॉमी में भी तो सोशलिज्म होता है बच्चों। मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों से मिलकर बना है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा नहीं कह सकते कि मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी है। तो इसका मतलब राइट आंसर बच्चों बी भी है और सी भी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों तो एग्जैक्ट आंसर हो गया हमारा डी, क्योंकि सोशल वेलफेयर के बारे में सबसे ज्यादा हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ते हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी का कहीं ना कहीं पार्ट है, तो वी कैन से बोथ बी एंड सी। आइए तो एग्जैक्ट आंसर हो गया बच्चों हमारा डी। नेक्स्ट आइए, इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन, व्हाट टू प्रोड्यूस किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा डू यू नो ना बच्चों कि व्हाट टू प्रोड्यूस मींस, ये क्या है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आपको पता है कि नहीं बच्चों? ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर आता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, याद है आपको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलिए तो कहता है बच्चों इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन, व्हाट टू प्रोड्यूस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दीजिए और पुराने टॉपिक्स को याद कीजिए जो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड्स करता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में कि कंज्यूमर का चॉइस क्या होगा बच्चों, कंज्यूमर किस चीज को पसंद करता है हमारे देश में, वो क्या कंज्यूम करना चाहता है, वो क्या खाना चाहता है, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, इस बातों पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है कंज्यूमर प्रेफरेंस पर। उस हिसाब से राइट आंसर देखा जाए बच्चों तो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर कंज्यूमर के चॉइस के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करता है बच्चों, यानी चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स बहुत मैटर करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। दैट्स व्हाई वी कैन से कि कंज्यूमर प्रेफरेंस इज वेरी मच नेसेसरी एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इकोनॉमी इन विच गवर्नमेंट अलाउज फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इज एसेंशियल, क्या है ये, आइएगा इस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इकोनॉमी इन विच गवर्नमेंट अलाउ फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स को, गवर्नमेंट फ्रीडम किस इकोनॉमी में देती है बच्चों, किस इकोनॉमिक सिस्टम में? हम सभी को पता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमें फ्रीडम दे दिया जाता है। इवन सो बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा हम आपको एक चीज याद दिलाएं बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है बच्चों जहां प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों को बच्चों फ्रीडम दे दिया जाता है। कंज्यूमर्स आर फ्री एंड प्रोड्यूसर्स आर फ्री। फ्रीडम किस बात के लिए बच्चों? तो प्रोड्यूसर्स को फ्रीडम दिया गया है
प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली, प्रोडक्शन के लिए, और कंज्यूमर्स को फ्रीडम दिया गया है बच्चों कंजम्पशन के लिए, बस नेगेटिव आइटम को छोड़कर। गवर्नमेंट ने जिस चीज को बैंड कर दिया वो आप नहीं बना सकते, बाकी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर फ्री। और गवर्नमेंट को पता है कि ये प्राइस सिग्नल के अकॉर्डिंगली पूरी इकोनॉमी रन कर जाएगी। तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर फ्री फॉर प्रोडक्शन डिसीजन, ये प्रोडक्शन डिसीजन के लिए जो फ्री है, और ये कंजम्पशन डिसीजन के लिए फ्री है। दोनों के दोनों फ्री है किस इकोनॉमिक सिस्टम में? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। गॉट द पॉइंट? क्लियर? तो गवर्नमेंट अलाउ फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट। तो राइट आंसर हो गया बच्चों कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को फ्री कर देती है कि आप प्रोडक्शन डिसीजन लीजिए और कंजम्पशन डिसीजन लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा है नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? ये कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला, टू मच ऑफ वेस्ट ड्यू टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। टू मच ऑफ वेस्ट, कह रहा बच्चों कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा वेस्ट है, ठीक है भाई। तो सर ये तो कहीं ना कहीं फीचर्स है, हम लोग जानते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स है बच्चों। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फीचर्स नहीं है, तो कॉम्पिटिशन में वेस्टेज होता है, ये बात तो एकदम सही है। सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वेस्टेज होता है। देयर इज अ राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी बच्चों कैपिटलिस्ट का फीचर्स है। कंडीशन आर नॉट ऑफ फेवरेबल फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कंडीशन फेवरेबल नहीं है, ये भी बात सही है बच्चों। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप सही तरीके से सोशल वेलफेयर भी नहीं कर सकते और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता, क्योंकि बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर कोई ज्यादा से ज्यादा, हर एक प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि देयर इज अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, तो आंसर होगा नो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बच्चों कोई भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं होती, ये सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। ये बच्चों सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी में पाया जाता है, सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी। देयर इज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है। तो राइट आंसर हो गया हम लोगों का डी। डी इज द राइट आंसर। Can we move further? Okay. Next question, बच्चों, which of the following is not the features of socialist economy? कौन सा इसमें से features नहीं है? Not the features of socialist economy. पहला economic planning, दूसरा social welfare, तीसरा private ownership of productive resources, और fourth economic equalities. तो देखिएगा question number 31 पे हम लोग आते हैं और क्या कह रहा है। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स। इकोनॉमिक प्लानिंग बच्चों फीचर है, बिल्कुल है सर। सोशल वेलफेयर पार्ट है, बिल्कुल है। इकोनॉमिक इक्वालिटीज है, बिल्कुल है। तो अगर कोई नहीं है तो वो है प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ये नहीं है बच्चों। प्राइवेट ऑनरशिप नहीं है प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। रिसोर्स पे बच्चों कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का नहीं होता। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो राइट आंसर हो गया हम लोगों का सी। राइट आंसर बच्चों सी। फिर देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस। बिल्कुल सही सर, एकदम इसको थ्योरी ऑफ प्राइस हम लोग कहते हैं। स्लाइसिंग मेथड, बिल्कुल सर, स्लाइसिंग मेथड कहा जाता है। स्लाइसिंग मेथड कहने का मतलब है बच्चों टुकड़ा, स्मॉल पीसेस, यूनिट। तो
राइट आंसर हो गया हम लोगों का डी, डी इज द राइट आंसर बच्चों. व्हाई? बिकॉज बोथ ए एंड बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस और स्लाइसिंग मेथड भी हम इसको कहते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33. इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एज इट टीच अस टू डू, इट प्रोवाइड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इट इज प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, ऑल द अबव. All the above, it teaches to do, it provides practical solution to various economic problems, it is practice of knowledge. क्या है इन सभी चीजों में से, ये क्या है? आइएगा बच्चों टॉपिक पर आते हैं, समझते हैं. इकोनॉमिक्स एक कला है, नो डाउट. आर्ट का मतलब पता है बच्चों आप लोगों को, कुछ याद है? आर्ट का मतलब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. जब हम किसी थ्योरी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एन आर्ट. तो देखिए उस हिसाब से कहता है कि टीचर्स टू डू, ओके, इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम. बिल्कुल सही बच्चों, इकोनॉमिक्स हम लोगों को बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताता है, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों. इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, ये एक नॉलेज का प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज है. इट टीचेस अस टू डू, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो उस हिसाब से तो बच्चों ऑल ऑफ द अबव हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, मतलब प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताता है बच्चों. इट टीच अस टू डू, हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ टू डील विद द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, हाउ टू डील विद द एग्रीगेट प्रॉब्लम्स, ये हमें बता रहा है बच्चों. माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताता है. तो वी कैन से ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑल ऑफ द अबव. चलिए नेक्स्ट आंसर, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी डिनोट्स दैट इकोनॉमिक इज, क्या इकोनॉमिक साइंस है? सर अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, जस्ट एकदम से अभी पढ़ा. स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी डिनोट्स दैट इकोनॉमिक इज बोथ साइंस और एन आर्ट. सोचिए बच्चों क्या होना चाहिए, साइंस आर्ट या बोथ? देखिए स्टडी ऑफ प्रॉब्लम, पॉवर्टी क्यों है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. इन सभी चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोथ साइंस और एन आर्ट. नेक्स्ट, फ्रेमिंग द सुटेबल पॉलिसीज टू सॉल्व इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डिनोट्स दैट इकोनॉमिक्स इज साइंस एंड आर्ट. बोथ साइंस एंड आर्ट, नाइदर साइंस नॉर आर्ट. फ्रेमिंग द सुटेबल पॉलिसीज, हम लोगों को क्या करना है बच्चों, एक सुटेबल पॉलिसीज फ्रेम करना है. वी आर सॉल्विंग अ सुटेबल, सॉरी वी आर फ्रेमिंग अ सुटेबल पॉलिसीज टू सॉल्व इनइक्वालिटीज. यानी बच्चों अब हम लोगों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है, जो इकोनॉमिक लॉज है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कला है, ये एक आर्ट है, दिस इज एन आर्ट. व्हाई बच्चों? क्योंकि पॉलिसीज को जब हम फ्रेम करते हैं तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो पॉलिसीज होती है बच्चों वो थ्योरी की पार्ट होती है, तो हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को. चलो नेक्स्ट, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स एंड देन फ्रेमिंग द सुटेबल पॉलिसीज टू रिड्यूस द एक्सटेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शोज द इकोनॉमिक्स इज, क्या है? तो बोथ साइंस एंड एन आर्ट, नाइदर अ साइंस नॉर एन आर्ट, पॉजिटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस. इसमें से क्या होगा ये देखिए, आइए चीजों को समझते हैं. पहले कहता है स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एंड देन फ्रेमिंग अ सुटेबल पॉलिसी. फिर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एक सुटेबल पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं. तो पहला तो सर कि जब हम प्रॉब्लम को स्टडी भी कर रहे हैं और पॉलिसीज भी फ्रेम कर रहे हैं, तो बोथ साइंस और आर्ट है. बिल्कुल कह सकते हैं सर.
फिर बच्चों कहता है नाइदर अ साइंस नॉर एन आर्ट। अब ये किस सेंस में कह रहा है? सोचिए सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, जल्दी जल्दी दिमाग खर्च कीजिए, बैठिए मत। तो स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एंड देन फ्रेमिंग अ सुटेबल पॉलिसी। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड बन गया है? जरा देखिए, बोथ साइंस और आर्ट भी कह रहा है, नाइदर साइंस नॉर एन आर्ट बोल रहा है, पॉजिटिव साइंस भी बोल रहा है, नॉर्मेटिव साइंस भी बोल रहा है। तो आखिर हम लोग इसमें क्या रखें भाई? इसमें हम लोगों के पास ऑप्शन क्या है? देखिए सर, एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये साइंस भी है और आर्ट भी है। तो दूसरा कि अगर ये साइंस है तो पॉजिटिव साइंस है। तो एग्जैक्ट आंसर बच्चों हमारा हो गया वन, वन एंड थ्री, क्योंकि ये साइंस आर्ट बोथ है और पॉजिटिव। अब आर्ट क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि पॉलिसीज भी तो हम फ्रेम कर रहे हैं, साथ साथ हम पॉलिसीज भी बना रहे हैं और हम प्रॉब्लम को स्टडी भी कर रहे हैं। इसलिए आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। कहते हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक फेनोमेना डैश इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक फेनोमेना। ये इकोनॉमिक फेनोमेना के बीच क्या कर रहा है? कॉज और इफेक्ट को स्टडी कर रहा है। तो क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव है, एम्पिरिकल है या अप्लाइड है? सोचिए जरा दिमाग लगाइए। अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा है सर ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। बच्चों ये पॉजिटिव है मेरे भाई, दिस इज अ पॉजिटिव, बिकॉज ये कॉज और इफेक्ट पर बात कर रहा है। जस्ट आपने पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक कंसर्न्स व्हाट शुड बी, व्हाट इज बोथ ए एंड बी, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है बच्चों व्हाट इज, व्हाट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज डैश इन नेचर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस तरीके का है नेचर? मॉडर्न, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, नॉन ऑफ द अबव। बच्चों जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। बच्चों ये आपको सजेशन दे रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बच्चों डिस्क्रिप्टिव होता है और जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्रिप्टिव होता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये डिस्क्राइब कर रहा है प्रॉब्लम्स को, बता रहा है उसके वजह को, बता रहा है उसके कॉजेस को, बता रहा है उसके इफेक्ट को, बताता है उसके इंप्लीमेंट्स को बताता है। इसलिए हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बच्चों डिस्क्रिप्टिव होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्रिप्टिव होता है। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। चलो चलो बच्चों, जरा आपको ये कन्वर्सेशन थोड़ा सा रीड करना है। रीड क्यों करना है? ताकि इससे रिलेटेड हमारे तीन क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस हम लोगों को देखना है। देखिए यहाँ चार लोग इन्वॉल्व हैं बच्चों, एक मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, रघु और भोला। ये चार बच्चे हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। उस कन्वर्सेशन को आप एक बार पढ़िए। आइए जरा हम लोग देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं ये तीनों बंधु का क्या कहना है। कह रहे हैं मिस्टर राम का कहना है, राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स हैव मेड इट डिफिकल्ट टू मेक टू एंड्स मीट। ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी चीजों की कीमत बढ़ती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी दो जरूरतों को पूरा करना। दूसरा बच्चा कहता है, यस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन टू हैज इंक्रीज्ड वेरी मच। फिर रघु का कहना है, गवर्नमेंट शुड टेक पॉजिटिव स्टेप टू कर्ब द प्राइसेस। गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए। बच्चों देयर इज अ सजेशन, रघु जो है सजेशन दे रहे हैं। भोला कहता है, यस ही गवर्नमेंट शुड डील स्ट्रिक्टली ऑन होल्डर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स पे। गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। आओ बच्चों जरा ध्यान दो क्वेश्चन पे। कहता है, इन द अबव कन्वर्सेशन हुज स्टेटमेंट शोज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, बोथ ए एंड बी और भोला। बताओ बच्चों, बच्चों
दोनों लोग राम और श्याम दोनों एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। राम का भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और श्याम बच्चे का भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। उस हिसाब से राइट आंसर हो गया बच्चों बोथ ए एंड बी। आप नोटिस नहीं कर रहे हो, ये बस एक्सप्लेन कर रहा है। राम एक एग्जैक्ट रियलिटी को बता रहा है, श्याम भी एक रियलिटी को बता रहा है, लेकिन रघु एक सजेशन रख रहा है। फिर देखिएगा बच्चों, इन द अबव कन्वर्सेशन बोथ स्टेटमेंट शोज अ नॉर्मेटिव साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। श्याम, रघु, भोला, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, रघु का स्टेटमेंट भी नॉर्मेटिव जा रहा है और भोला का स्टेटमेंट भी बच्चों नॉर्मेटिव जा रहा है। दोनों ना सजेशन दे रहे हैं, दोनों सजेशन दे रहे हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, दोनों सजेशंस को रख रहे हैं। ये देखिए, दोनों का सजेशन है गवर्नमेंट के लिए, दोनों सजेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट। तो उस हिसाब से बच्चों राइट आंसर हो गया डी, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है बच्चों, ऐसा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। श्याम स्टेटमेंट इन द अबव कन्वर्सेशन शोज व्हाट इज, व्हाट कैन बी, व्हाट आउट टू बी, व्हाट विल बी। तो देखिए, श्याम स्टेटमेंट इन द अबव कन्वर्सेशन शोज, क्या कन्वर्सेशन शोज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं और जरा देखेंगे 42 का ए। तो बच्चों, श्याम स्टेटमेंट इन द अबव कन्वर्सेशन, जाहिर सी बात है मिस्टर श्याम का कन्वर्सेशन तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट डील करता है व्हाट इज, सिंपल बात है बच्चों। नेक्स्ट, भोला स्टेटमेंट इन द अबव कन्वर्सेशन शोज व्हाट, व्हाट इज द थिंग्स, व्हाट शुड बी, व्हाट वाज, नॉन ऑफ द अबव, क्या होना चाहिए बच्चों। भोला स्टेटमेंट इन द अबव कन्वर्सेशन, देखिए भोला का कन्वर्सेशन क्या है। यस, ही शुड बी स्ट्रिक्टली डील्स, किससे भाई, टू डील स्ट्रिक्टली ऑन बोर्डर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स। व्हाट शुड बी, भोला का जो कन्वर्सेशन है बच्चों व्हाट शुड बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमिक सिस्टम इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इज रिलेटिवली लेस, सबसे कम किसमें होता है बच्चों। तो सबसे कम सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है, ये हम लोग हर कोई जानते हैं। प्राइस मैकेनिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, प्राइस मैकेनिज्म बच्चों एक इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केट इकोनॉमी, रेगुलेटेड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोचिए बच्चों, सोचिए जरा, एकदम इजी है। बच्चों मार्केट प्राइस मैकेनिज्म मार्केट इकोनॉमी में होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा बच्चों, मार्केट इकोनॉमी को तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो देखिए, मार्केट इकोनॉमी ऑप्शन वन यहां भी है और ऑप्शन फोर यहां भी है, तो वी कैन से डी इज द राइट आंसर। मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, लेसेस फेयर इकोनॉमी। लेसेस फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। कहता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर चॉइस बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर चॉइस बेस्ड ऑन मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट या क्लोज्ड। बच्चों कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मेक देयर चॉइस, मार्केट फोर्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होगा। जस्ट आपने पढ़ा है फ्री प्ले ऑफ डिमांड और सप्लाई के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच इज कवर्ड बाय द जनरल टर्म्स। राइट
resource allocation, choice of technique of production, distribution, or macroeconomics. देखिएगा क्या कह रहा है, रिसोर्स एलोकेशन, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कौन सा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहिए एंड हाउ मच कवर्ड बाय द जनरल टर्म्स। तो बच्चों सिंपल रिसोर्स एलोकेशन, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड में हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना कैपिटल गुड्स बनाना चाहिए, कैपिटल गुड्स बनाना है या कंज्यूमर गुड्स बनाना है। अगर कैपिटल गुड्स बनाना है तो क्वांटिटी क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स का क्वांटिटी क्या होगा। तो राइट आंसर इज बच्चों रिसोर्स एलोकेशन। हम लोग क्लास में ऑलरेडी इसको डिस्कस किए थे कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप इंट्रोडक्शन चैप्टर का एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, वहां हम लोगों ने सभी बातों का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली डैश इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स किस तरीके का है बच्चों, नॉर्मेटिव इन नेचर है। बिजनेस इकोनॉमिक्स बच्चों नॉर्मेटिव इन नेचर कहा गया क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स ना एक एंटरप्रेन्योर एक प्रोड्यूसर्स को सजेशन दे रहा होता है बच्चों, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, गिविंग अ सजेशन। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, बेसिकली ये नॉर्मेटिव इन नेचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि हम लोग इन सभी चीजों को इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ रखा है और देख रखा है, तो आप पहले वहां उस चीजों को कवर कर लेंगे। फिर देखिएगा बच्चों, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड बी चूजन इन, किस में हम चूज करते हैं, लेबर सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, या कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, या डेवलप्ड इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज बेटर, जहां टेक्नोलॉजी हमारा बेटर है, या डेवलपिंग इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज पुअर। आइएगा जरा चीजों को समझिएगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड बी चूजन इन, कहां चूज करेंगे। चलिए फटाफट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिंपल बच्चों जहां कैपिटल सरप्लस होगा, अरे जहां कैपिटल सरप्लस होगा वही ना आप कैपिटल इंटेंसिव लगाओगे। कितना सोचते क्यों हो बच्चों, दिमाग थोड़ा सा खर्च करो ना कि कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी में हम इस चीज का एप्लीकेशन करेंगे। तो राइट आंसर बी। बच्चों इतना अगर आप ध्यान से भी पढ़ते हो ना तो आपको फाउंडेशंस के एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड विद द स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स ओनली कंसिडर माइक्रो, और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला बच्चों देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर होता है, ये तो राइट आंसर है, ये तो हम लोग हर कोई जानते हैं कि ये राइट आंसर है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लोजली रिलेटेड विद द स्टैटिस्टिक्स, हम लोग कहीं ना कहीं डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स ओनली कंसिडर माइक्रो, ये गलत है बच्चों। बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो दोनों को इंक्लूड करता है ना बच्चों, आपको पता भी होगा, जरा सा ध्यान देंगे मेरी बातों को। मैंने क्लास में जब आपको पढ़ाया था तो एक चीज बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जब कॉमन इंटरसेक्ट करते हैं तो माइक्रो और मैक्रो के वो पार्ट जो बड़ा कॉमन हो जाते हैं या दोनों मैच करते हैं लॉजिकली एनालिटिकली हर एंगल से, तो ये पार्ट हमेशा हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाता है बच्चों। तो ये कहना गलत होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ माइक्रो को स्टडी करता है, नहीं बच्चों दोनों को।
माइक्रो और मैक्रो दोनों को। तो ये हुआ हमारा गलत आंसर। तो कहता है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन है, तो यही तो इनकरेक्ट है। इसका मतलब बच्चों हम सी पे टिक कर देंगे, सिंपल। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्सेप्ट। 51 में क्या कह रहा है बच्चों, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, बिजनेस साइकिल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चों एक बात बताओ, कैपिटल बजटिंग भी आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, रिस्क एनालिसिस भी आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बिजनेस साइकिल भी आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अकाउंट्स में आएगा ना बच्चों। तो एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो राइट आंसर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्स इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज है बच्चों, तो कहता है कि इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बच्चों ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि किसी के पास बहुत पैसे हो जाते हैं, किसी के पास नहीं होता है बच्चों। रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। तो दिस इज अ राइट आंसर, हमें तो यही सबसे ज्यादा सही लगा। बट हम आगे भी पढ़ लेते हैं, पीपल डू नॉट गेट फूड ऑफ देयर चॉइस। नहीं ऐसा नहीं है सर, चॉइस तो मिलता है। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजेस आर रिवॉर्डेड, नॉट रिवॉर्डेड। नहीं बच्चों, इनिशिएटिव लोगों को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड यही मिलता है। प्रॉफिट विल टेंड टू बी लो, नहीं नहीं प्रॉफिट तो हाई होता है बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाई प्रॉफिट होता है। इनोवेटिव पर्सन को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो उस हिसाब से राइट आंसर ए हो रहा है बच्चों, इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये 100% सत्य है, इसमें कोई दोहराव नहीं। चलो बच्चों, तो यहां हम लोग अपने सेशन को एंड करते हैं, और प्लीज जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वो इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख लेंगे। ओके चलो, थैंक्स अ लॉट बच्चों।